स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर। 4 बज चुके हैं और इस वक्त की पंजाब और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत पंजाब से करते हैं और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा से समर्थन मांगने वाले सिख नेताओं को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। और आज अमृतसर में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें पंजाब चुनाव के दौरान डेरा से समर्थन मांगने वाले सिख नेताओं को 17 अप्रैल को अकाल तख्त के सचिवालय पहुंचकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आज की 5 सिंह साहिबानों की बैठक में हरियाणा के सिख नेता जगदीश सिंह झींडा को बहाल करने का फैसला लिया गया, यानी कि अब जगदीश सिंह झींडा को श्री अकाल तख्त साहिब ने बहाल कर दिया है। और साथ ही साथ जिन सिख नेताओं ने डेरा से समर्थन मांगा था, उनको अकाल तख्त साहिब ने अब तलब किया है। 17 अप्रैल को अकाल तख्त के सचिवालय पहुंचकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दे दिए गए हैं। तो 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई है और बैठक में पंजाब चुनाव के दौरान डेरा समर्थन मांगने वाले सिख नेताओं को 17 अप्रैल को अकाल तख्त के सचिवालय पहुंचकर अब स्पष्टीकरण देना होगा। और साथ ही आज ही की 5 सिंह साहिबानों की बैठक में हरियाणा के जो सिख नेता हैं जगदीश सिंह झींडा, उनको भी बहाल करने का फैसला लिया गया। विचार उपरांत दीर्घ विचार करके फैसला किया गया है। वोटां खातर पखंडी सिरसे साध दे डेरे जाण वाले सारे व्यक्ति 5 वैसाख सम्मत नानक शाही 549 मुताबक 17 अप्रैल 2017 दिन सोमवार नूं 12 बजे दफ्तर सकतरेत श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंच के अपना स्पष्टीकरण देन।